आज के जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, मैं आजादी से पहले का हुआ पैदा हुआ हूं, तो जो लोग उससे पहले के लोग हैं उनको मालूम है, और खास करके जो गांव के लोग हैं, दलित को घृणा क्यों करते थे उसका कारण था। और जो लोग देहात में और गांव के लोग हैं उनको मालूम है कि खास करके जो जमाल जाति के लोग थे उनका एक खास काम था कि जो जानवर मर जाते थे और उनको वो उठाते थे और उनको कोई मेहताना नहीं दिया जाता था, कोई श्रमिक उनको दिया नहीं जाता था। उनका एक समय यही था कि वो जो उसकी खाल निकालते थे, खाल को सुखाते थे और उसको बेच के आते थे। और शायद आप लोग सहमत नहीं होंगे, मैंने देखा है, मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं, कि जो मरे हुए जानवर थे उसका मांस खाते थे। आप लोग इसको शायद विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मैंने देखा है। घृणा क्यों करते थे? धीरे धीरे समाज का सुधार कैसे हुआ? जो लोग के समाज सुधारक हुए, मुझे याद है कि उस समय में करीबन 13-14 साल का था, मैंने देखा कि लोग मरे हुए जानवर उठाते हैं, लेके जाते हैं, उनकी चमड़ी उतारते हैं, उनको घर में सुखाते हैं, बदबू आती है उसको बेच करके आते हैं, और यहाँ के कुछ लोग उनका मांस भी खाते हैं। 14 साल का था, मैं पढ़ रहा था, तो गांव में होली होती है और होली में पूरा गांव इकट्ठा होता है और गांव की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का वहां पर डिस्कशन होता है। मैंने कहा कि भाई जो लोग हमारे गांव के लोग हैं, जाकर लोग हैं, अब वो मरा हुआ जानवर नहीं उठाएंगे। बड़ा शोर हुआ, आगे हम इनके कपड़े नहीं धोएंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे, हम उनको अपनी जगह से नहीं निकलने देंगे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन हमने कहा कि हमने क्योंकि हमारा करीबन 10-15 घर थे, हमने कि नहीं, हम जो हमने एक निर्णय लिया उस पर अटल रहे हैं, तो कुछ समस्याओं का सामना करना था। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जो कि हम जो नॉर्थ इंडिया के बारे में ज्यादा मालूम है, वहां पर एक स्वामी अशोकानंद जी ने एक समाज सुधार का एक बिगुल बजाया और काफी लोग उसमें सम्मिलित हुए, काफी जात के लोग सम्मिलित हुए, और मेरा यह मानना है कि उसके बाद एक जो बीपी मौर्य ने पूरे जो उत्तर प्रदेश में काफी काम किया और जिसका जो परिणाम हुआ, उसका जो फल है वो काशीराम जी को, मायावती जी को मिला। तो एक नींव पड़ी थी और मैं समझता हूँ जो नींव डाली थी वो स्वामी यशोदानंद जी ने डाली थी। उनके बहुत सारे उनके कृतज्ञ हैं, जो हमने कहा कि 26 उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग की थी आदि हिंदू के बारे में, 26 ऑल ओवर इंडिया में। मैंने समझता है कि समाज को जोड़ने के लिए इतना काम किया, और उसमें उसमें जैसे हमारे किसी साथी ने बताया था कि बाबा साहब के साथ कम से कम 2-3 बार मिले, तीन बार मिले 1923 में जो आदि हिंदू की जो समा हुई थी उसको स्टेज पर शेयर किया था। बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ में आए थे, साइमन कमीशन का जो उसमें विरोध हो रहा था उसका समर्थन किया था, क्योंकि साइमन कमीशन का मतलब है वो चाहते थे कि जो जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको अपना चुनाव का अधिकार मिले, कांग्रेस नहीं चाहती थी, तो उन्होंने उनका समर्थन किया, बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन किया। और जब वो
गोल रेस जो लंदन में हुई थी वहां भी उसका समर्थन किया। और एक बहुत बड़ी बात है जो काफी लोग बोलने वालों में है, जब पूना पैक्ट में गांधी जी ने अनशन किया था और उस अनशन में अम्बेडकर को निशाना बनाया गया था, उस समय स्वामी अच्युतानंद जी ने बाबा साहब से कहा था कि आप समझौता कर लो। और कारण यह था कि अगर गांधी जी कहीं मर गए तो सवर्ण क्लास के लोग हैं जो पूरा का पूरा दोष दलित समाज बनेंगे, एक विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने समर्थन दिया समय से। आखिर में जो दो बात और कहना और चाहता हूं, एक दार्शनिक के साथ साथ विचारक के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति जैसे अच्युतानंद, स्वामी अच्युतानंद, उनको उस समय पदवी मिली थी श्री 108 श्री, अभी वो रन श्री 108 श्री, और हम बात कर रहे हैं 150 साल पहले की, उस समय की 125 साल के पहले की, उनको श्री 108 श्री कहा गया था। और उन्होंने रविदास जी से बहुत प्रभावित हुए थे, गुरुमुखी उन्होंने पढ़ी हुई थी, गुरु ग्रंथ साहब से बहुत प्रभावित हुए थे। तो एक समाज सुधारक के साथ साथ एक भक्ति आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, और वो समझते थे कि एक जो भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन है जो रविदास जी ने एक जो एक रास्ता दिखाया है वही रास्ता है। और तीसरा काम, वो एक बड़े अच्छे लेखक थे, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे प्ले राइटर उन्होंने लिखे हैं। तो एक उन्होंने करीब 1920 में 1921 और 22 में पत्रिका निकाली, और करीबन 10 साल तक विभिन्न नाम से वो पत्रिका चलाते रहे। पत्रिका चलाने का मतलब, सम्मेलन करने का मतलब, कि एक किस तरह से समाज को जागृत किया जाए, वो समाज एक सोया हुआ था उसको जागृत करने का काम किया। दूसरा है जो पूरे के पूरे दलित समाज थे उस समाज को इकट्ठा किया कैसे किया जाए, और तीसरा था पॉलिटिकल अवेकनिंग, कि उनको पॉलिटिकल बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो उन्होंने पैदा किया। तो मैं चाहता हूं कि स्वामी अच्युतानंद के बारे में अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें, और हमेशा जो हमारा समाज है उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने उस समय जब समाज सोया हुआ था, समेत पूरा समाज है एक गलत रास्ते में जा रहा था, पूरा भ्रमित था, उसको जागरण करने का काम दिया। मैं पुनः स्वामी जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ, और भाई एमपी सिंह जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सब लोग यहाँ पर निमंत्रण दे करके उनके बारे में जो चर्चा की है उसके लिए बहुत सराहनीय काम है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो. अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है. सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा. तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714. हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर. धन्यवाद.